सब्सक्राइब कीजिए कैरिंग यू ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग रेमेडी आपकी आईब्रोज और आपकी आई लैशेस को घना और काला बनाने के लिए। घनी आई लैशेस हर कोई चाहता है और जब ये अच्छी काली घनी और लंबी दिखती हैं तो आपके चेहरे को एक अलग ही लुक मिलता है, एक अलग ही तरह की ब्यूटी आपके चेहरे पर दिखती है। ठीक इसी तरह से अगर आपकी आईब्रोज भी नेचुरली काली होती हैं तो वो भी आपके चेहरे को अलग ही लुक देती हैं, ओवरऑल आपकी ब्यूटी को निखारती हैं और आपका चेहरा सुंदर बनाती हैं। तो चलिए जानते हैं एक ऐसी बहुत ही आसान सी रेमेडी जो आप अपने आई लैशेस और अपनी आईब्रोज को घना बनाने, अपनी आई लैशेस को लंबा बनाने के लिए और साथ ही मजबूत बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए कैस्टर ऑयल, और कैस्टर ऑयल हमेशा से ही जब भी बात की जाती है आई लैशेस या आईब्रोज को घना बनाने की, उन्हें काला बनाने की और आई लैशेस को लंबा बनाने की तो यूज़ होता आ रहा है, और ये वाकई में काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है अपनी नेचुरल मॉइस्चराइजिंग और नरिशिंग प्रॉपर्टीज़ की वजह से। ये आई लैशेस और आईब्रोज में हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है जिससे कि उनकी लंबाई बढ़ती है, और इसकी मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़ अगर ड्राइनेस की वजह से ये झड़ रही हैं, कम हो रही हैं, तो उनको झड़ने से रोकता है और रिजल्टेंट आपको मिलते हैं बहुत ही घनी और लंबी आई लैशेस और काली आईब्रोज। जो अगला इंग्रेडिएंट मैं इस रेमेडी में यूज़ कर रही हूँ और वो है एलोवेरा जेल, और एलोवेरा जेल भी अपनी नेचुरल मॉइस्चराइजिंग और नरिशिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए बेस्ट माना जाता है जब भी बात की जाती है हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने की। ये आपके आई लैशेस में और आपकी आईब्रोज में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है जिससे कि वो लंबाई में बढ़ती है और नेचुरली पिगमेंट रीस्टोर करता है जिससे वो काली बनती है। अगला इंग्रेडिएंट मैं इस रेमेडी में ले रही हूँ थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, और कोकोनट ऑयल भी एक बहुत अच्छा नेचुरल मॉइस्चराइजर और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट ऑयल माना जाता है। इसमें नेचुरली एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। कोकोनट ऑयल भी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने और हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करने में काफी इफेक्टिव होता है, और यही वजह है कि ये आई लैशेस को और आपकी आईब्रोज को घना बनाता है, आई लैशेस को लंबा बनाता है। अगला इंग्रेडिएंट मैं इस रेमेडी में मिला रही हूँ लैवेंडर एसेंशियल ऑयल, और लैवेंडर एसेंशियल ऑयल भी हेयर फॉलिकल को स्टिमुलेट करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें नेचुरली सूदिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है जिससे कि हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से वो लंबाई में बढ़ती हैं। अब चलिए शुरू करते हैं इस रेमेडी को बनाना, और इसे बनाने के लिए आपको कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल दोनों की ही इक्वल क्वांटिटी लेनी है। अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको कितना बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, ये आराम से 1 से 1.5 महीने तक रख सकते हैं, खराब नहीं होगा। इसलिए अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रखना चाहते हैं तो फिर सेम प्रपोर्शन में ये सारी चीज़ों की क्वांटिटी आप बढ़ाते जाएं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 टीस्पून कोकोनट ऑयल, 1/2 टीस्पून कैस्टर ऑयल और लगभग 1/2 टीस्पून एलोवेरा जेल। लेवेंडर ऑयल की इस कॉम्बिनेशन में आपको डालनी है सिर्फ 4 से 6 बूंदें जो कि इस रेमेडी को बनाने के लिए काफ़ी हैं। अब इन सारी चीज़ों को आपस में मिला दें और एक बहुत अच्छी रेमेडी आपकी बनकर बिल्कुल तैयार है अपनी आईब्रोज को घना बनाने के लिए, काला बनाने के लिए और अपनी आई लैशेस को घना और लंबा बनाने के लिए। इस रेमेडी को आपको अपनी आई लैशेस और आईब्रोज पर दिन में कम से कम 2 बार यूज़ करना है, और इसे लगाने के बाद ऐसे ही छोड़ना नहीं है, कम से कम 5 मिनट के लिए इस रेमेडी से अपनी आईब्रोज और अपनी आई लैशेस पर मसाज करें, और फिर इसके बाद इस रेमेडी को ऐसे ही लगा रहने दें। रात को सोने से पहले इस रेमेडी को अपनी आई लैशेस और आईब्रोज पर लगाना ना भूलें जिससे कि ये और भी अच्छे रिजल्ट आपको देगी। इसे लगाने के लिए आप अपने मस्कारा ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे कि अच्छी तरह से आई लैशेस पर रूट्स से आप इसको लगा पाएं और अच्छे से अच्छे रिजल्ट आपको मिल पाएं। तो ये थी एक बहुत ही आसान सी और बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी आपकी आई लैशेस को घना और लंबा और मजबूत बनाने के लिए, साथ ही आपकी आईब्रोज को काला और घना बनाने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये रेमेडी पसंद आई, तो इसको ढेर सारी लाइक्स दीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए जिससे कि वो भी इसका फायदा ले पाए। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जब भी कोई हेल्थ या ब्यूटी रिलेटेड वीडियो इस पर शेयर होता है आप उसे देख पाए और उसका फायदा ले पाए। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।